नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार नुस्खा लेके आए हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रोजाना जानकारी मिले। आज इस रोचक जानकारी की मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो चेहरे के दाग धब्बे, पिम्पल्स या ड्राई स्किन है आपकी, या आप में चेहरे में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, इस नुस्खे को अपना सकते हैं। लेकिन सबसे वीडियो के आखिर में आपको मैं एक जानकारी दूंगा, जिसमें आपको ये नुस्खा कब नहीं अपनाना है और किस पे नहीं अपनाना है बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, चलो चालू चालू करते हैं हम। क्या करना है दोस्तों, ये भिंडी सी हमें एक ही बहुत सस्ता इलाज है, एकदम सस्ता सुंदर। घर पे आप भिंडी हमें कहीं मिल जाएगी, सब्जी मंडी में, बाजार में कहीं मिल जाएगी। भिंडी को हमें काटना है। देखिए अपने को क्या करना है दोस्तों, एक इसका सबसे नीचे का पार्ट और ऊपर का हेड हमें काटना है, और उसको काटने के बाद इसको बीच में से पूरी तरह काट लीजिए। इसका फायदा यह है दोस्तों कि आपको एंटी इचिंग, या आपको आपके चेहरे पे या कोई सी जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसको आप लगाएंगे तो बहुत फायदा होता है। ये एंटीऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। भिंडी के अंदर इंग्रेडिएंट जो होता है, भिंडी के अंदर जो ऑलरेडी होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जेल का होता है, इसको आप इसे काट के टुकड़ा करके मिक्सचर में निकाल सकते हैं। मिक्सर में निकालने के बाद आप देखेंगे तो ये जेल जैसा हो जाएगा, चिपचिपा। ये आपके जो दाने हैं, ये दाने बहुत कामगार हैं, ये सोने से महंगे दाने होते हैं दोस्तों, ईमान के चलिए, क्योंकि ये आपके चेहरे को एकदम गोरा और जवान बना देंगे, एंटी रिंकल बना देंगे, जिससे कि आपकी बॉडी या आपकी बॉडी के जिस पार्ट पर आप ये यूज़ करेंगे दानों का, ये मान के चलिए आपका चेहरा, दांत या आपके चेहरे के होंठ या हाथ पे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे साफ हो जाएंगे दोस्तों। इसको सिर्फ ऐसा काटिए, इसके इसके टुकड़े करके बाद इसको आप मिक्सचर में निकाल लिए तो एक जेल जैसा बन जाएगा, और जेल को अपने चेहरे पे लगाइएगा दोस्तों। इतना करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ ही दिनों में, आप इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करें, और ये एकदम अनहाइजेनिक, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ एक्स्ट्रा मिलाने के लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पानी में मिक्स मत कीजिए, क्योंकि इसका जेल निकल जाएगा। पानी में मिलाने के बाद इसके जेल की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपका जो मेन काम है वो नहीं हो पाएगा। और जिस जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपको कहाँ नहीं लगाना है, आपको जो है जहाँ पे आपकी इचिंग हो रही हो वहाँ पे मत लगाइएगा इसको, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शन कर सकता है। और इसको लगाने से पहले अपने कुछ बॉडी के कुछ पार्ट पे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक बार ट्राई कर ऐसा घिसने के लिए ट्राई कर लीजिए, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर सूख लीजिए, क्योंकि इससे आपके स्किन पे दिख जाएगा कि ये आपके कुछ आपके स्किन के लिए सही है या नहीं। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो पहले ज़रूर ये उपयोग कीजिएगा, कि कोई भी चीज़ उपयोग करने से पहले आपको अपने स्किन पे चेक करना है कि आपकी स्किन उसके लिए यूज़फुल है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों इसी आशय के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।